बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं जो देसी हमारे बच्चे हैं उनकी खुराक कैसी होनी चाहिए। जो बेहतरीन खुराक है हम उस पे बात करते हैं, जो जिन लोगों को नहीं पता ये उनके लिए वीडियो है और बहुत फ़ायदेमंद है। आप वीडियो पूरी देखें और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। जो भी आपको देसी मुर्गी में मसाला आता है आपकी मुर्गी के, तो कमेंट में हमसे ज़रूर रابطہ करें। तो मेरे पास हमेशा की तरह देसी मुर्गियां, क्योंकि मैं देसी मुर्गियों का शौक़ रखता हूं और हर जो हमारी बात होती है वो सच होती है। जो आपको नहीं मालूम होती हम वो आपको बताते हैं। तो इनके ऊपर इनकी खुराक कैसी होनी चाहिए, जो ये हमारे बच्चे घूम रहे हैं छोटे छोटे, ये मर जाते हैं अक्सर गर्मी में, तो इनके लिए खुराक आपको को कैसी इस्तेमाल करनी चाहिए मैं इस वीडियो में वो आपको बता रहा हूँ। तो खुराक ये आपको फूदना लेना है, तो ये फूदने के पत्ते हैं, इसके अंदर धनिया और फूदने के पत्ते, ये बड़े शौक़ से खाते हैं। तो इसके अंदर धनिया है और फूदने के पत्ते हैं, ये आप चीज़ खिलाते हो तो आपके बच्चे कभी भी बीमार नहीं होंगे और ये बेहतरीन चीज़ है और बेहतरीन तरीके से काम करती है। मैं अपने असील मुर्गियों को भी खिलाता हूँ और देसियों को भी, ख़ास करें ये देसी के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप ये खिलाते हो तो आप शौकीन हो और अपनी मुर्गियों को सेहतमंद और अच्छे तरीके से रखना चाहते हो, तो गर्मी में मेथी की खुराक आप करें अपने चूज़ों के लिए। जैसे ही हमारे चूज़े धीरे धीरे बड़े होते हैं हम इनको हफ्ते में 3 बार देसी मुर्गी की खुराक जो है मैं आपको बताता हूँ। तो हफ्ते में 3 बार ये आपको खिलानी पड़ती है, बहुत बेहतरीन चीज़ है, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये गर्मियों में बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। तो हमारी और भी एक देसी मुर्गी है, वो भी हम आपको दिखाएं। खुराक के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये देखो ये खुराक जो है ये देखें आप, इस तरीके से आपको देनी है। तो ये सारे बच्चे देसी बच्चे और असील बच्चे कैसे खा रहे हैं, तो इसमें आपका बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। तो आपकी जो मुर्गियाँ हैं वो बीमार कभी भी नहीं हो सकती। तो हमारे पास और भी देसी मुर्गी है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी देसी मुर्गी है, ये हमारी दूसरी देसी मुर्गी है, ये देखें आप कैसे ये खा रही है। तो हमारी ये दूसरी देसी मुर्गी है और देसी मुर्गा भी है हमारे पास, आप ये देख सकते हो। तो ये चीज़ें होती हैं जो आप इन चीज़ों से अपनी मुर्गियों को सेहतमंद रख सकते हो। फूदने के पत्ते खिलाओ और धनिया, इनमें से आपकी चूज़े बहुत सेहतमंद होते हैं और गर्मी से बचा रहता है इनका। ये देसी मुर्गी है हमारी। तो कमेंट में ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप वीडियो पूरी देखा करें तो फिर आपको बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास बहुत देसी मुर्गियां हैं, हम देसी मुर्गी पे काम करते हैं। देसी मुर्गी बेहतरीन चीज़ है। और भी मेरे पास बच्चे और भी हैं, मैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ। ये बच्चे भी आप देख सकते हो, देसी और असील बच्चे हैं, ये कैसे शौक से खा रहे हैं। तो ऐसी खुराक हफ्ते में 3 बार आपको करनी चाहिए, ये देखें आप, हफ्ते में 3 बार ज़रूर करें मेथी की खुराक, तो आपके चूज़े जो है जल्दी बड़े हो जाएंगे और बड़े अच्छे तरीके से पलते हैं। ये धनिया इजीली आपको सब्ज़ी वाले के पास मिल जाएगा और मेथी भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो हफ्ते में 3 बार ज़रूर करें, इनसे इनको कैल्शियम, विटामिन, हर चीज़ मिलती है, तो आपके चूज़े सेहतमंद रहते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं।
ये देखो बड़े शौक से खाते हैं, आपको पता नहीं होता आपके चूज़े मर जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।